21 अगस्त को केरल पुलिस ने 30 छात्रों द्वारा पाकिस्तान के झंडे लहराने के कथित मामले में मुकदमा दर्ज किया। ये पाकिस्तान का झंडा कैसे नहीं है, यह हम आगे अपनी पड़ताल में देखेंगे। पर इसे पाकिस्तान का झंडा कहकर टाइम्स नाउ ने एक वीडियो रिपोर्ट प्रकाशित किया था। इसके अलावा टाइम्स ऑफ इंडिया और अन्य कई मीडिया संगठन ने भी इस पर लेख प्रकाशित किया था, लेकिन अपने लेख के शीर्षक में कथित शब्द का प्रयोग नहीं किया। भारतीय मीडिया के प्रसारण के बाद पाकिस्तानी मीडिया ने समान दावों के साथ इस घटना पर रिपोर्ट प्रकाशित की और वहां के मेजर जनरल आसिफ गफूर ने भी टाइम्स नाउ के प्रसारण को साझा किया था। पर लहराए गए झंडे पाकिस्तान के नहीं बल्कि MSF यानी मुस्लिम स्टूडेंट फ्रंट के है, जो यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट से जुड़ा हुआ एक छात्र निकाय है। एक मलयालम पोर्टल ने MSF के राज्य सचिव निषाद के सलीम के हवाले से बताया कि झंडों में हरे और सफ़ेद रंग का अनुपात सही नहीं था, जिसकी वजह से यह उलझन पैदा हुई। इसके बाद ऑल्ट न्यूज़ से बातचीत के दौरान MSF के महासचिव नवास ने पाकिस्तान के झंडे और MSF के झंडों के बीच का अंतर बताया, जो हम भी आसानी से देख सकते हैं। जैसे कि लहराए गए झंडों में सफ़ेद रंग नीचे की तरफ है, जबकि पाकिस्तानी झंडे में सफ़ेद रंग बाईं ओर है। इसके अलावा MSF के झंडे में अर्धचंद्र ऊपर के बाएं कोने की तरफ है, जबकि पाकिस्तान के झंडे में अर्धचंद्र मध्य भाग में है। नवास ने हमें बताया कि MSF के झंडे में सफ़ेद और हरे रंग का अनुपात 1:1 का होना चाहिए, लेकिन इस झंडे में नहीं था, जिसकी वजह से यह विवाद हुआ। पर हमने पाया कि पिछले अनेक समारोह के दौरान MSF ने ऐसे झंडे लहराए हैं जिसके अनुपात में असमानता देखने को मिली है। गूगल में उपलब्ध MSF के झंडों में MSF शब्द अंकित है। हालांकि MSF ने कई बार बिना MSF अंकित किए झंडों का भी प्रयोग किया है। हालांकि मीडिया संगठनों ने यह खबर प्रकाशित की कि केरल पुलिस ने 30 छात्रों पर पाकिस्तानी झंडे लहराने के मामले में मुकदमा दर्ज किया है, लेकिन किसी भी मीडिया संगठन ने इस बात की जांच करने की कोशिश नहीं की कि क्या वाकई में लहराए गए झंडे पाकिस्तानी थे या नहीं। हालांकि 2 सितंबर को केरल पुलिस ने एक बयान जारी कर बताया कि सिल्वर आर्ट्स कॉलेज में MSF के कार्यक्रम के दौरान पाकिस्तानी झंडे नहीं लहराए गए थे। धन्यवाद।